हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू महादेव की ज्योति। आज हम बहुत ही यूनिक चीज़ बनाने वाले, ना पॉलीथिन से बनाएंगे, ना ही हम दुपट्टे से बनाएंगे, ना ही हम साड़ी से बनाएंगे, पर ऐसी चीज़ बनने वाली है पुराने कपड़ों के लिए कि आप देखते ही रह जाओगे। तो आपको दो हैंगर लेना है इस तरह से, और कुछ यूनिक सा करेंगे हम जो कि आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल पे ज़रूर विजिट करना। मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डाल रखी हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत ही काम आएगी। पुराने कपड़ों से लेकर और पुराने साड़ी दुपट्टा सबका यूज़ हम करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाए हैं। तो आप जल्दी से जाकर मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और वीडियोस देखिए, अपने घर के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ें बनाइए। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस। देखिए, यूपिन हर किसी के घर में होती है और हैंगर भी हर किसी के घर में होता है, पर हम इसका अच्छा यूज़ नहीं करते। बस कपड़े टांगने के लिए ये हैंगर का यूज़ करते हैं, और यूपिन को जूड़ा बनाने के लिए। पर इसका एक बहुत ही अच्छा यूनिक मैं आइडिया लेके आई हूँ। तो आप जितनी भी आपके पास यूपिन है सारी ले लीजिए और एक हैंगर ले लीजिए, क्योंकि इतनी यूज़फुल चीज़ बनने वाली है कि आपको बिल्कुल भी पैसे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाना है, और इतनी यूनिक चीज़ बनके रेडी हो जाएगी जो कि अगर आप मार्केट से लेने जाते हो तो बहुत ही महंगी मिलती है, और फिर महंगी मिलने के साथ साथ वो जल्दी टूट भी जाती है। पर अगर आप इस तरह से बनाओगे खुद से तो इससे मेहनत भी बहुत कम लगेगी, पैसा भी कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि यूपिन हर किसी के घर में होती है, हैंगर भी होता है। तो में से एक हैंगर ले लीजिए और कुछ यूपिन्स ले लीजिए, इससे बहुत ही अच्छा आपका ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, और यूपिन्स को कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से आपको कर देना है। यूपिन अगर आपको हाथ से नहीं हो रहा है तो आप प्लास वगैरह का यूज़ कर सकते हो। और देखिए, इस तरह से मैंने तीन लगाए, आप चाहें तो इसमें बहुत सारे लगा सकते हो। तो आप देखिए, इसमें आप चूड़ियाँ टांग सकते हो, या फिर बहुत सारे कपड़े, या फिर आप इसे किचन में लगा दीजिए तो आप इससे जो आपके बर्तन में चम्मच वगैरह होती है, करछी वगैरह होती हैं, उनको हैंग कर सकते हो, या फिर आप कपड़ों को भी हैंग कर सकते हो। ये बहुत ही यूज चीज़ बन के रेडी हो जाएगी जो कि आप मार्केट में लेने जाओगे तो बहुत ही महंगी मिलने वाली है, और इस तरह का मल्टीपल इससे यूज़ कर सकते हो। देखिए, एक हैंगर में हम सिर्फ एक या दो साड़ी टांग कर सकते हैं, पर इसमें हम कई सारी साड़ी चुन्नी वगैरह आप इसमें टांग सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप जो भी आपको लगता है वो ऑर्गेनाइज करके इसमें रख सकते हो। और देखिए, इस तरह की पॉलीथिन लीजिए, एक पॉलीथिन में आपके पास जितने भी कपड़े हैं सारे कपड़ों को इसमें डाल दीजिए, पुराने नए जो भी आपको लगता है सारे कपड़ों को डाल दीजिए, और इसको एक कील वगैरह में टांग दीजिए। और इस तरह से देखिए, आप इसमें पॉलीथिन भी अगर लगाते हो तो भी इस हैंगर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि यूपिन तो मजबूत होती ही है, साथ में ये हैंगर भी प्लास्टिक का भले है पर बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो देखिए, आपको क्या करना है कि फिर से एक हैंगर लेना है, और आप हैंगर कोई भी ले सकती हो, प्लास्टिक का ले सकती हो, लोहे का ले सकती हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए जो आपके घर में अवेलेबल है। और फिर इस तरह की आप मेटल की चूड़ी ले लीजिए, अगर आपके पास मेटल की चूड़ियाँ नहीं हैं तो आप ये जो कांच की चूड़ियाँ मजबूत वाली आती है वो भी ले सकते हो। फिर कि इस तरह से धागे से आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से बांधते जाना है, और आप धागे का जगह धागे की जगह कोई भी धागा यूज़ कर सकती हो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने लिया है वही लीजिए आप ना। तो जो पतला वाला, मोटा वाला, जो मजबूत धागा आता है वो वाला यूज़ कीजिए, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत ऑर्गेनाइज़र बने आपका। और ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है क्योंकि इसमें आप मल्टीपल तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, और एक हैंगर आपकी सारी अलमारी को अच्छे से सारे कपड़ों के, आपके घर में जितने भी कपड़े हैं ना सारों को अटैच कर देगा। अगर आप कपड़ों के लिए यूज़ करना चाहते हो तो भी ये यूज़फुल है, आप इसे किचन पे भी यूज़ कर सकते हो, तो इसे मल्टीपल तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो आप लास्ट तक देखना, ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज बन के हमारा रेडी हुआ था। तो देखिए, इस तरह से आपको कुछ भी नहीं करना, मेहनत तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस आगे जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से देखना है और वैसा का वैसा ही करना है, और ये आपका बिना पैसे का इतना अच्छा चीज़ बन के रेडी हो जाएगा जिसमें आप बहुत ही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो देखिए, बस इसमें करना कुछ कलाकारी नहीं है, बस आपको धागे से इस तरह से इसको अटैच करते जाना है। आप चाहें तो इसे फेविक्यूब वगैरह से भी कर सकते हैं, पर उतना मजबूत नहीं होगा क्योंकि धागे से ज़्यादा मजबूत होता है, पर आपका जो आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ का कीजिए। धागा तो हर किसी के घर में होता है तो आप धागा ही यूज़ कीजिए, कोई भी धागा ले सकते हो आप,
वो जो प्लास्टिक का धागा आता है वो यूज़ कर सकते हो, वो भी ज़्यादा मजबूत होता है। बस इस तरह से आपको जितनी भी आपके हैंगर में चूड़ियाँ आ रही हैं बस इस तरह से सेट करते हुए बांधते जाना है। इसमें कोई नई कलाकारी नहीं है, कलाकारी भले ही नहीं है पर आप जब बना के इसको अपने घर में रखोगे ना तो ये आपके घर में चार चांद लगा देगा। और जो भी मेहमान आपके घर में आएगा या रिश्तेदार पड़ोसन अड़ोसन धड़ोसन जो भी आपके घर में आएगी वो देखकर चौंक जाएगी और आपकी बाबाही हो जाएगी, क्योंकि इस तरह की नई नई चीज़ अगर आप बनाते हो तो वो लोग अपने आप ही जल जाएंगे देख कर के, भाई ये तो बिना पैसे खर्च किए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेती है और इसे पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। पैसे खर्च क्यों करें जब हमारे पास खुद टैलेंट है? तो आप बस मेरी वीडियोज़ देखते रहिए, रोज़ एक मैं एक वीडियो डालती हूँ 10 बजे रात को, तो आप जब भी देखो पूरी वीडियो देखा कीजिए जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाए। और कमेंट में ज़रूर बता दिया कीजिए आपको कैसा लगा मेरा आइडिया, और आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए जिससे कि आपको और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो बराबर देख पाओ, क्योंकि ऐसी ही घर में बहुत यूज़ आने वाली चीज़ें अगर हम घर में ही बना लें तो पैसे खर्च करने की कोई बात नहीं है। जो पैसे आप इन छोटी मोटी चीज़ों को लेके आने में खर्च करते हो मार्केट से, वो उन पैसे को बचा के आप बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें ले सकते हो। तो ये ऐसी मोटी चीज़ें तो हम औरतें घर पे ही बना सकते हैं, तो क्यों इसमें पैसे खर्च करना। तो जल्दी से आपको ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी मेरी चैनल पे। मैंने बहुत सारा यूज़ बता रखा है, साड़ी का रीयूज़ भी मैंने बताया है, और फिर जो हम ऑर्गेनाइज़र वगैरह बनाते हैं उन सभी का, और उनमें कोई भी ज़्यादा पैसा नहीं लगा है, कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, और कोई भी कितनी भी कम दिमाग वाली औरत होगी उसको बना लेगी। तो आप प्लीज़, और मेरी ऑडियंस में तो इतना दिमाग है कि वो कठिन से कठिन चीज़ बना सकती है, तो ये क्या चीज़ है। तो देखिए बातों ही बातों में ये बन के रेडी हो गया है, बीच से भी हमने इनको अटैच कर दिया है। अब मैं इसका और मतलब आपको यूज़ करके बताती हूँ। तो आप देखिए किचन में इसको कपड़े यूज़ जैसे हम कपड़े यूज़ करते हैं, क्लॉथ यूज़ करते हैं किचन में, उन कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके भी आप इसमें रख सकती हो। और इसके बाद अगर आपको ये कपड़े नहीं इसमें हैंग करना है तो आप इसमें एक छोटी छोटी जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले उसमें जूड़ा पिन लगाई थी, इसी जूड़ा पिन अटैच करके आप इसे कपड़े के लिए बर्तन के लिए यूज़ कर सकती हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।